अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, फटाफट से कर लो, क्योंकि तुम शिराजी क्लैन के मेंबर बन जाते हो। और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, सबसे पहले तुम्हें मिलती है क्योंकि तुम शिराजी हो, ठीक हो? इतने दिनों बाद आज अहमद हुई है ना कि मतलब मैं कैमरा पकड़ना भूल गया हूँ। और अभी कोई 3-4 टेक के बाद अभी जो है ना वो वाला जो है ना मतलब मुझे अच्छा लगेगा भाई, ये वाला लगना चाहिए। खैर अभी जो है भाई जान, कुछ सीन यूँ है कि आज के भाई बारिश, ओ माई गॉड, ओ भाई साहब क्या बात, वाह। ये अल्लाह जी दोबारा से चल बड़ी बारिश, फिर से लग पड़ी है भाई। वो घोड़ा पड़ा हुआ किसी बच्चे का, देख लो भाई अगर आ रही है नज़र कहीं पे तो। अरे ये तारे हमारे घर में है कि तुम लोग घर में भी है? मतलब मेरी तरह खास हमारे घर में है। बाद लोग इतना औसम लग रहे हैं ना यार, क्या ही बात है। अब बारिश के टाइम में डर नहीं लगता वाला पायलट बोला बिजली इसको लग जाए यार, मतलब ऊपर ऊपर से पकड़ के ले रहे इसको। अरे यार क्या बात है, लेट्स गो गाइस। अच्छा भाई नहा धो के जाने में तैयार शेयर हो गए, मतलब बैठ गया यार कि यार कितना रुला पाने यार। अच्छा भाई फ्रेश फ्रेश हो गया, मैं आ गया हूँ, ठीक है। फ्रेश हो गया। देखो भाई सब बंदों की कोई ना कोई बकेट लिस्ट होती है, ठीक है ना। अब व्हाट इज बकेट लिस्ट उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि बकेट लिस्ट क्या होती है? तो भाई बकेट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है, मतलब कुछ लोगों को बुक लिखने का शौक होता है, ऐसे काम जो तुम मरने से पहले करना चाहते हो, ठीक है। जरूरी लाइफ के अंदर जो तुम गोल्स रखते हो अपने, उन्हें एक लिस्ट में लिखने से तुम वो बकेट लिस्ट बन जाती है, यानी कि कोई विश लिस्ट भी उसे कह सकते हो। विश लिस्ट और बकेट लिस्ट एक ही चीज होती है, ठीक है। अच्छा मेरे पास ना आई हैव टू टाइप ऑफ बकेट लिस्ट, ठीक है। एक जो है प्रीशियस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाजमी करने हैं चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और उसे मैं ऑबिट कहता हूँ क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑबिट का मतलब होता है वंस बिफोर आई डाई, ठीक है। और उसके बारे में तो मैं बस इतना बता सकता हूँ, वो प्राइवेट है इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बाद में कभी अगर इरादा बना तो बता दूंगा, लाइक इफ 2 मिलियन पे, 1-2 मिलियन पे अगर तुम कभी अगर तुम्हें अभी कोई ना कोई बंदा देख रहा हो सब्सक्राइबर, जो मतलब बहुत पक्का सब्सक्राइबर हुआ और वो अभी से वेट कर रहा होगा ना उसके लिए 1 मिलियन तक, तो वो कहेगा तो भाई मैं ज़रूर दिखा दूँगा, ठीक है। सुहाने आगे बकेट लिस्ट में क्या क्या है? मेरी बकेट लिस्ट तो खाली है इस टाइम। खाली है? हाँ। अच्छा बाकी कोई बताना, बाकी कोई बात नहीं, सही है। बकवास ना करें, आप सीधी बात करें। आपके हिसाब से क्या होगा? क्या होगा मुझे क्या बताना है? अच्छा ठीक है फिर बस इतना ही, बस यही। और एक आधा कोई होगा, कोई जेट होगा क्या? एक आधा कोई 10-12 जेट होंगे। गाड़ी कौन सी जाती है? गाड़ी पहले तो CL65 है, CLS 63S, हाँ ठीक है। फिर BMW M8 कॉम्पिटिशन, BMW M5 CS, ठीक है ठीक है। SL 300, ठीक है। ये बात है C180 नहीं, ओ ये ना तो बहुत लो है। अच्छा ठीक है, अभी ऊपर, अभी ऊपर लेवल की बात ना, अभी ऊपर तरह जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाते जाते हम आते हैं, उसके बाद फिर एक अरबी वाला डाला, मिडिल ईस्ट जड़ा जंगल लड़ता है, ठीक है वो वाला। उसके बाद फिर जरा बहुत ऊपर जाए जेट, तो जेट कौन सा चाहिए भैया? पूरे SC57, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ चाहिए, ठीक है, F22 रैपर चाहिए, ठीक है ठीक है। आप बहकी बहकी कर रहे औकात के हिसाब से बात ही नहीं आ रही आपको? चल ठीक है, हाथ आ गया मेरा, लाइट मार मारे तेरी भैन। मेरी बकेट लिस्ट में क्या क्या है वो देखना पड़ेगा, मैंने लिखी हुई है, मेरे लिए कभी कोई याद नहीं रहता, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं है भाई, लिस्ट ही है, ठीक है देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्ल्ड टूर, आई लव वर्ल्ड टूर, ठीक है। मुझे दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि हर कंट्री का अपना कल्चर, अपना उसका कोई ना कोई इतिहास है, ठीक है। और नेचर तो मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। और कुछ मेन कंट्रीज हैं जो कि मैं मस्ट विजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। उनमें है रशिया, उनमें एक है जर्मनी, स्पेन,
इजिप्ट और एंटार्क्टिका, ओके, क्योंकि आई लव माउंटेन्स और स्नो, क्योंकि शायद मैंने कभी देखी नहीं है इसीलिए, मतलब क्योंकि मैं बर्फ मैंने नहीं किया, बर्फानी इलाके में कभी नहीं गया। और उसके बाद जो है इजिप्ट का जो है हिस्ट्री बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इस वजह से मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और जर्मनी में हिस्ट्री भी है और उसमें से ठंड भी है, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका जो कल्चर है, उनका जो मतलब उनकी जो सिविलाइजेशन थी बहुत पुरानी, जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग हुआ करती थी वो वहाँ पे होती है, मतलब इतने तो बड़े बड़े चर्चेज जो होते हैं ना यार, आई लव इट। और स्पेन के अंदर भी इसी तरह से, और स्पेन में ओटोमन एम्पायर कितनी देर चली है, यानी मुस्लिम एम्पायर कितनी देर चली है, और इस वजह से उस वहाँ पे उसमें स्पेन में पुराने ज़माने के भी मस्जिद हैं और वहाँ पे पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई आई लव स्पेन ऑल्सो। और वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब नेचुरल भी मज़े मज़े की जगह है, ठीक है, तो इस वजह से स्पेन बहुत अच्छी लगता है। खैर, सेकेंड थिंग इज मार्शल आर्ट्स। आई लव मार्शल आर्ट्स, बचपन से मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक है, और अभी भी जो है मुझे मतलब कुंग फू, कराटे, तकवांडो इन सब का बहुत शौक है, जूडो, किक बॉक्सिंग, आई लव दम ऑल। इनफैक्ट मुझे कोई मूवी हो ना उसमें भी अगर मार्शल आर्ट्स है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी। बाकी एनिमे मैंने पूरा देख रखा है, और नारुतो मैंने इस वजह से देखा था, उसमें क्या उसका नाम है, ड्रैगन बॉल जी में, मतलब एनिमे फैन हूँ मैं, तो उसमें जो जो ज़्यादा मज़े के होते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा फाइट होती है, जिसमें ज़्यादा मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, वो वाले एनिमे मुझे बहुत दिल को छू जाते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं, क्योंकि भाई आई लव मार्शल आर्ट्स पता नहीं क्यों। और ज़रूर ज़रूर मुझे मार्शल आर्ट्स सीखनी है। एमएमए जो है मतलब जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, इसका इतना ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे मॉडर्न लगती है, क्योंकि मैं एक पुराने ख्यालात का बंदा हूँ शायद, पता नहीं किस तरह को यार मैं। मुझे ना मतलब पुरानी जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पुरानी चीज़ें जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से जो पुरानी तरीके हैं लड़ने के वो ज़्यादा बेटर हैं। लाइक कुंग फू इज़ मोस्ट एंशंट टाइप ऑफ फाइटिंग, दैट्स वाई। और उसके बाद कुंग फू है, फिर जूडो भी है उसी टाइप, उसके बाद कराटे, मतलब कुंग फू दोबारा हो गया, कराटे है, फिर जूडो है, और इसके बाद ये ताई ची है, और पता नहीं कौन कौन से भाई इतने सारे, बहुत ज़्यादा विंग चुन ये कुंग फू भी आते हैं। फिर मैं ऐसे बैठूँ तो शायद आवाज़ भी सही आ रही हो और मैं भी सही आ रहा हूँ, उम्मीद है। अगली चीज़ है भाईजान, एक शिप का सफ़र। शिप का मतलब वो जो बड़ा सारा बहरी जहाज होता है ना वो बना, उस समय सफ़र करने का बहुत ज़्यादा दिल करता लगा, क्योंकि यार मतलब वही चीज़ें भाई जो मैंने देखी नहीं हुई, वही चीज़ें जो मैंने देखी नहीं हुई, वही करने का दिल करता रहा साहब। लेकिन जो है ना शिप का सफ़र जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर एक तूफानी रात हो ना अगर, मतलब खौफ के अंदर मैं ख़त्म हो जाऊँ, और अगर वो नॉर्दर्न ओशन होगा फिर मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। वो जो एडवेंचर होगा ना वो कसम से बस एंड होगा, क्योंकि नॉर्दर्न ओशन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ओशन है, वहाँ पे जो तूफानी बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और जो डीप ब्लू पानी होता है ना वहाँ का, वो वैसे ही बड़ा ड्रामा होता है। और ये जो लहरें होती है ना इतनी बड़ी बड़ी आती है, शिप को ऐसे डुबा लेके आखिरी जो इस लिस्ट का है ना, आखिरी इस लिस्ट का आखिरी जो मेरा एक गोल है, जो मेरा एक ख्वाब है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इसलिए भाई सब्सक्राइब करो, फिर से लाजमी से सब्सक्राइब करो, लाइक भी करना वीडियो, ताकि भाई की वीडियो आगे आगे तक जाए, सबको पता चले कि भाई मेरा भी एक ख्वाब है। भाई तुमने जो तुमने पूरा करना है तुम पूरा करवा सकते हो, ठीक है, जो मेरे पे नहीं है वो तो पूरा करवा सकते हैं। हाँ मैं मेहनत तो करूँगा अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, लेकिन पूरा तो करवा सकता हूँ। आज एक महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो इसीलिए है क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है जब तुम लोग वीडियो देख लेते हो, वो भी आती है दूरी, और फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते। भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, और 1 मिलियन सब्सक्राइब कर मेरा ख्वाब है वो तुमने पूरा करवाना है, ठीक है, कि अवे भी करना है, तो वो जो है भाई तुम्हें भी है कि तुम जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर पाओगे, और फिर जो मैं तो
आगे भाई जान गिव अवे भी आने वाले हैं, और इसलिए जो है ना, तो गिव अवे तो जाहिर है अपने सब्सक्राइबर्स में से ही करूंगा। जो कमेंट कर रहे होगी वहाँ, उसमें से रैंडम कमेंट चूज होगा जो सब्सक्राइबर होगा, और उससे जो है ना अपना गिव अवे का विनर चूज करेंगे। तो यही कुछ था भाई ब्लॉग आज का, मीडिया तुम्हें पसंद आया। अगर नहीं भी आया तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लास्ट में से कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें बाकी सारे ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम भी ठीक है, तुम भी ठीक हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।